जेई मेंस का आपका रिजल्ट आएगा, जेई मेंस का रिजल्ट हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि फाइनल आंसर की आ चुकी है और उसके 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर पिछले दो सालों से देखा जा रहा है कि रिजल्ट आ जाता है। और पिछले दो सालों से ये भी देखा जा रहा है कि लगभग ये मिडनाइट मतलब रात में लगभग 12 बजे के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर करता है। बात कर लेते हैं आज हम VIT काउंसलिंग के ऊपर। VIT के जितने बच्चों ने भी एग्जाम दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आए रिजल्ट आने के बाद, पेरेंट्स के भी फोन कॉल्स आए पूछ रहे हैं कि सर क्या हमको यहाँ पे जो पैसा जमा करना होता है इनसे हमको देना चाहिए या हमको बाकी जैसे रिजल्ट वेट करना चाहिए जेई मेंस का या फिर जो और एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उनका हमको वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अगर उनका कैटेगरी वन में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपका एक कम अमाउंट में काम चल जाएगा। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग VIT की काउंसलिंग के ऊपर। VIT का रिजल्ट आ चुका है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने VIT वेलर का एग्जाम दिया था 26 अप्रैल से लेकर के 4 जून तक आपकी ये काउंसलिंग चलेगी लगभग 4 फेज में। और इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका कट ऑफ क्या रहता है, किन बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलेगा, किस रैंक पे मिलेगा, या फिर कंप्यूटर साइंस की जो आपके स्पेशलाइजेशन ब्रांच है वो आपको किस रैंक पे मिलेंगे, अदर ब्रांचेज के लिए आपको कितना फीस पे करना होगा, अदर ब्रांचेस के लिए आपको कितना फीस पे करना होगा, या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 में कितना फीस देना होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जैसे ही जेई मेंस का आपका रिजल्ट आएगा, जेई मेंस का रिजल्ट हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि फाइनल आंसर की आ चुकी है और उसके 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर पिछले दो सालों से देखा जा रहा है कि रिजल्ट आ जाता है। और पिछले दो सालों से ये भी देखा जा रहा है कि लगभग ये मिडनाइट मतलब रात में लगभग 12 बजे के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर करता है। बात कर लेते हैं आज हम VIT काउंसलिंग के ऊपर। VIT के जितने बच्चों ने भी एग्जाम दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आए रिजल्ट आने के बाद, पेरेंट्स के भी फोन कॉल्स आए पूछ रहे हैं कि सर क्या हमको यहाँ पे जो पैसा जमा करना होता है इनिशियल अमाउंट वो देना चाहिए या हमको बाकी जैसे रिजल्ट वेट करना चाहिए जेई मेंस का या फिर जो और एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उनका हमको वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अगर उनका कैटेगरी 1 में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपका एक कम अमाउंट में काम चल जाएगा। लेकिन कैटेगरी 3 या कैटेगरी 4 में अगर आप जाते हैं या कैटेगरी 5 में अगर आप जाते हैं, वैसे काउंसलिंग बहुत लंबा चलने वाला है, लगभग आपका जून के पहले अब तक ये काउंसलिंग चलेगा। तो आपको भी वेट भी, अगर कुछ बच्चे चाहें जिनका रैंक अच्छा नहीं तो वो वेट भी कर सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो वहां पे फीस सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे फीस आपका रिफंडेबल रहेगा। अगर आपने VIT में फीस जमा कर दिया है, कोई सीट अगर यहां पे आपको मिल जाता है, मान लीजिए CS मिल गया या आपको EC मिल गया या CS का कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिल गया, तो बाद में ये रिफंडेबल रहेगा। अगर आपका जोसा का काउंसलिंग होता है या आपका कोई भी स्टेट काउंसलिंग होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर वहां पर कोई अच्छा सीट मिल जाता है NIT में, IIIT में, या आपको GFTI में, या किसी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कोई भी सीट आपको मिल जाता है, तो यहां से आप रिफंड ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट डिडक्ट नहीं हो। इस काउंसलिंग में किस रैंक पे कौन कौन सी आपको ब्रांच मिलने वाली है, VIT वेल्लोर में किस रैंक पे मिलेगा, चेन्नई में किस रैंक पे मिलेगा, अमरावती भोपाल थोड़ा सा एक्सेप्शनल रहता है, वहां पर ज्यादा रैंक पे भी ब्रांचेस आपको मिल जाती है। लेकिन कैटेगरी का आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 में क्या फीस रहती है, स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनको स्कॉलरशिप का फायदा मिलने के टॉपर है उनको भी फायदा मिलता है, और जो आपका जिनका रैंक लगभग 1000 के अंदर आ रहा है, 50 के अंदर आ रहा है, 500 के अंदर आ रहा है, उनको भी यहां पे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, फीस में रिलैक्सेशन बहुत सारा यहां पे मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले VIT वेल्लोर का कैंपस। VIT वेल्लोर का जो हमारा मेन कैंपस है इसका, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। VIT वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए हमको क्या कितना रैंक का जरूरत पड़ेगा, कैटेगरी 1 का हम लोग देख लेते हैं। तो हमारी जो रैंक है लगभग 1000 के अंदर आपका होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रैंक 1000 के आसपास आ रहा है, VIT वेल्लोर की कैटेगरी 1 में आपको CS मिल जाएगा, यानी कि फीस भी लगभग आपको लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ पे देना पड़ेगा। कैटेगरी 1 में 2 लाख के आसपास आपको फीस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसका जो भी अमाउंट आपसे इनिशियल जमा करवाया जा रहा है इसको आप जमा कर सकते हैं, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अफोर्ड करता है कि भाई आप जमा कर सकते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे फीस अपना सबमिट करके अपनी सीट यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। अगर आपको इन फ्यूचर कोई NIT IIIT या कोई GFTI या कॉमेट के में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है या कोई दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो ये रिफंडेबल रहेगा। कैटेगरी 2 में यही ब्रांच अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस, तो हमें 3681 भी मिल रही है। कैटेगरी 3 में देखिए 19500 तक, कैटेगरी 4 में 25000-27000 तक, मतलब जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 25 से 27 के बीच में रैंक आ रहा है, 1000 के बीच में, वो VIT वेल्लोर में कैटेगरी 4 में हमारा कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप ले सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी 5 का देख लेते हैं, तो 29000 से 30000 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है, तो कैटेगरी 5 में आपको VIT वेल्लोर कैंपस में CS ब्रांच मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस का देख लेते हैं, तो 1100 तक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में 85 मतलब 8500 तक, कैटेगरी 3 में हमारा होगा 20000 से 22000 तक, उसके बाद सेम हमारा रहेगा कैटेगरी 4 का, उसके बाद ये हमारा 31000 से 36000 तक अगर आपका रैंक आ रहा है, तो कैटेगरी 5 में आपको कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस आपको मिल जाएगा, किसमें, VIT वेल्लोर कैंपस में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी ब्रांचेस कौन कौन सी यहाँ पे हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसका देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये 1627 पे बंद हो रहा है हमारा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में देख लेते हैं तो 8700 तक, कैटेगरी 3 में सेम
कैटेगरी थ्री में अगर आपका 20-22 हज़ार के आसपास रैंक आ रहा है तो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आप ब्रांच यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम कैटेगरी फोर में सेम रहेगा, लगभग 25 से 27 हज़ार के बीच में रैंक आपका आता है तो कैटेगरी फोर में आपको ये ब्रांच मिल जाएगा वेल्लोर वाले कैंपस में। उसके बाद देखते हैं हम कैटेगरी फाइव में सेम रहेगा, सेम इसी रैंक पे आप यहाँ पे ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस आईओटी और कंप्यूटर साइंस आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आप यहाँ पे आराम से। बाद देख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस ब्लॉकचेन, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये 1800 पे कैटेगरी वन में बंद हो रहा है, 8900 पे कैटेगरी टू में बंद हो रहा है, कैटेगरी थ्री का सेम रहेगा यही रैंक आपका। उसके बाद कैटेगरी फोर में सेम यही रैंक रहेगा आपका, कैटेगरी फाइव में भी सेम यही रैंक रहेगा आपका, अगर आपका बजट 4 से 5 लाख तक जा रहा है तो इन कैटेगरी के बारे में। उसके बाद हमारा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, ये हमारा 1990 कैटेगरी वन, 9500 कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री में सेम ब्रांच सेम रैंक हमारा रहेगा। इस रैंक में यहाँ पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 3-3.5 लाख रुपये तो आप आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हमारा कैटेगरी फोर में सेम ब्रांच सेम रैंक रहेगा और कैटेगरी फाइव में हमारा सेम ब्रांच मिल जाएगा, हमारा इसी सेम रैंक पे हमें मिल जाएगा। कैटेगरी फाइव में हमारा 31,000 से 36,000 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो कंप्यूटर साइंस आपका बिजनेस सिस्टम आपको यहाँ पे ब्रांच मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं कैटेगरी वन में 2200, कैटेगरी टू में देख लीजिए 9 से 10 हज़ार तक सेम रैंक हमारा यहाँ पे रहेगा, सेम रैंक हमारा कैटेगरी फोर में रहेगा, सेम रैंक हमारा रहेगा कैटेगरी फाइव में। तो अगर बच्चों अफोर्ड कर सकती है आपकी फैमिली 4 से 5 लाख रुपये तो आप इन कैटेगरी के बारे में सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच मिल जाएगा वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस में। उसके बाद देख लीजिए हमारा कंप्यूटर साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है, 2335 पे बंद हो रहा है कैटेगरी वन, 13,000 तक कैटेगरी टू के लिए जा रहा है, कैटेगरी थ्री में हमारा सेम रैंक में मिल जाएगा, कैटेगरी फोर सेम, कैटेगरी फाइव सेम। उसके बाद यहाँ डिपेंड करता है कि आप फीस अगर फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो कंप्यूटर साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे ब्रांच आपको मिल जाएगी वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस में। उसके बाद देखिए ईसी का देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, 4500 पे बंद हो रहा है हमारा कैटेगरी वन, उसके बाद 18,000 से 22,000 तक कैटेगरी टू, उसके बाद कैटेगरी थ्री में देख लेते हैं 35,000 तक, कैटेगरी फोर 50,000 तक, कैटेगरी फाइव 65,000 तक। अब देख लेते हैं हम लोग चेन्नई वाला कैंपस, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो चेन्नई वाले कैंपस के लिए प्रेफर कर रहे हैं चेन्नई वाले कैंपस में जा सकते हैं उनका देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर साइंस ब्रांच का कैटेगरी वन 8,000 रैंक, कैटेगरी टू का 14,000 से 15,000, कैटेगरी थ्री का 28,000, कैटेगरी फोर का 35,000, कैटेगरी फाइव का लगभग हमारा 44,000, कैटेगरी फाइव का लगभग 44,000 तक, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का 11,000 तक कैटेगरी वन, 19,908 तक कैटेगरी टू, 30,000 से 33,000 के बीच में कैटेगरी थ्री, 36,000 से 40,000 के बीच में कैटेगरी फोर हो गया और 45,000 तक हमें मिल जाएगा कैटेगरी फाइव में हमारा कंप्यूटर साइंस एआई एमएल। उसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस साइबर, उसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस साइबर फिजिकल सिस्टम, ये हमारा 12,500 कैटेगरी वन, 20,000 तक कैटेगरी टू, सेम रैंक में मिल जाएगा कैटेगरी थ्री में, सेम रैंक में मिल जाएगा हमें फोर में, सेम रैंक में मिल जाएगा फाइव में। यहाँ डिपेंड करता है कि आप अगर फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो ये वाली ब्रांच आपको कंप्यूटर साइंस साइबर फिजिकल सिस्टम आराम से चेन्नई वाले कैंपस में आपको मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 15,000 कैटेगरी वन, 30,000 कैटेगरी टू, 50,000 कैटेगरी थ्री, 70,000 तक कैटेगरी फोर और लगभग 90,000 रैंक तक आपका कैटेगरी फाइव में आपको ये मिल जाएगा। 90,000 तक बच्चों अगर आपका रैंक आता है तो चेन्नई वाले कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको आराम से मिल जाएगी। ये वीआईटी वेल्लोर का कट ऑफ है आपका चेन्नई कैंपस का और वेल्लोर कैंपस का, अमरावती भोपाल का भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपको कौन कौन फीस स्ट्रक्चर आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर कितना फीस आपका लगने वाला है, यहाँ पे ये हमारा फीस स्ट्रक्चर और हमारी स्कॉलरशिप है जो हमें यहाँ पे मिलने वाली है, किन किन बच्चों कौन कौन से बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे देख लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे। ये हमारी कैटेगरी वाइज फीस है, कैटेगरी वन का हमारा 2 लाख, अगर कैटेगरी वन में आप बच्चों आ रहे हो एडमिशन ले रहे हो किसी भी कैंपस में चेन्नई में भोपाल में अमरावती में या बेल्लोर में तो आपको ये फीस अफोर्ड करनी पड़ेगी, ये हम मतलब देनी पड़ेगी। ये हमारा हॉस्टल का इसमें इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल की फीस यहाँ पे अलग रहती है। कैटेगरी टू में 3 लाख तक, कैटेगरी थ्री में 4 लाख तक, कैटेगरी फोर में लगभग 4.5 से 5 लाख और कैटेगरी फाइव में ये आपका 5 लाख प्लस जाएगा, इससे ऊपर आपको देना पड़ेगा पैसा लगभग समझ कर आपको यहाँ पे फीस जमा करनी। जितने भी ऐसे बच्चे हैं फैमिली बैकग्राउंड अगर उनका अफोर्ड करता है तो ये फीस आप यहाँ पे जमा करके अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। कैटेगरी वन में कैटेगरी टू में जिन बच्चों को मिल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वहां पे वो फीस जमा कर दें, लेकिन कैटेगरी 3, 4, 5 में बहुत सोच समझ के फीस जमा करिएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड के टॉपर हैं, जितने भी हमारे स्टेट या सेंट्रल बोर्ड के टॉपर हैं, यहां पे दिया हुआ है सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड मतलब सीबीएसई बोर्ड से अगर आप हैं या एसएससी बोर्ड से अगर आप हैं, स्टेट बोर्ड से अगर आपने किया है तो वहाँ के जितने भी टॉपर हैं स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के टॉपर हैं उनका 100% ट्यूशन फीस वेवर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपको 4 साल तक मिलेगा। बहुत सारे इस कॉलेज में क्या होता है कि फी वेवर तो दे देते हैं पर आपका पहले साल में दे देंगे उसके बाद में बहुत सारी कंडीशंस लगा देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, 4 साल तक लगातार आपकी फीस वहाँ पे वेवर मिलेगी मतलब आपको 100% फीस माफ हो जाएगी आपकी किन बच्चों को जो आपके स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के टॉपर हैं। अगर वीआईटी का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपका 1 से 50 के बीच में ऑल इंडिया रैंक आ रहा है मतलब जो आपका रैंक आ रहा है वो आपका लगभग अंडर 50 है, 50 तक के बच्चों के लिए यहाँ पे 75% ट्यूशन फीस वेवर है। उसके बाद वीआईटी में अगर आपका रैंक 100 के अंडर अगर आपका आ रहा है तो आपका जो है 50% फीस यहाँ पे माफ हो जाएगा। उसके बाद वीआईटी में अगर आपका रैंक 1,000 के अंदर आ रहा है, जितने बच्चों का रैंक 1,000 के अंदर आ रहा है मतलब जो बच्चों को सीएस मतलब जिन बच्चों को सीएस मिल रहा है कैटेगरी वन में वेल्लोर वाले कैंपस में उन बच्चों को 25% मतलब आपका 2 लाख रुपये जो आपको
मतलब जो आपको 2 लाख फीस देनी पड़ेगी कैटेगरी वन में, उसमें लगभग आपका 25% फीस आपका लेस हो जाएगा, ये आपको रिफंड मतलब छूट आपको मिल जाएगी फीस में। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ध्यान रखनी है काउंसलिंग करने से पहले, एडमिशन लेने से पहले। अभी जेई का रिजल्ट आने वाला है, जैसे ही जेई का रिजल्ट आ जाएगा हम लोग उस पर भी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लाइव सेशन करेंगे, गूगल मीट करेंगे, सेमिनार की डेट आपको फाइनल बता देंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो VIT काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी कट ऑफ की अगर आपको PDF चाहिए होगी तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। द मेंटर की टीम लगातार पिछले 3 साल से काउंसलिंग रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, आगे भी करते रहेंगे। और जितनी भी आपकी काउंसलिंग चलती है, चाहे वो विटसेट की हुई, आपका महाराष्ट्र का हुआ, कॉमेट का हुआ, वेस्ट बंगाल का एग्जाम जैसे 30 तारीख को होने वाला है, या JEE Mains के थ्रू जितने भी आपके